हिजाब को लेकर हो रहे विवाद की अब राजस्थान में एंट्री हो गई है। जयपुर के चाकसू में शुक्रवार को कुछ छात्राएं कस्तूरी देवी कॉलेज में हिजाब और बुर्का पहनकर पहुंच गई तो विवाद खड़ा हो गया। इसी बीच राजधानी जयपुर में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई। हिजाब मामले पर भाजपा विधायक मदन दिलावर और रामलाल शर्मा ने कहा कि धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल और कॉलेज जाना गलत है। दिलावर ने कहा कि देश में षड्यंत्र पैदा करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही है। आप भी सुनिए कि आखिर भाजपा विधायकों ने इस मसले पर क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा इस विषय के अंदर इतना कहना है कि हर संस्थान का एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। अब मैं मेरी आस्था को किसी संस्था के ऊपर जाके थोपने का काम करूं और मैं मेरी मनचाही इच्छा के अनुसार काम करूं, ये अनुचित है। और मेरा मानना तो यह है कि इस देश के अंदर उत्थान तभी होगा जब हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क के अंदर एक बात बैठे कि मुझे आगे जाना है। उन अगर परिपाटियों के अंदर पड़ पड़े तो मेरे ख्याल से उनका उत्थान होने वाला नहीं है। और मेरी सोच तो यह है कि जिन संस्थाओं के ऊपर, जिनको धार्मिक संस्था जिनको कहा जाता है या धार्मिक जिनको शिक्षा दी जाती है, उन संस्थाओं को बंद करते तो ज़्यादा बढ़िया है। मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाओं के अंदर इंसान कम पैदा होते हैं और ऐसे मनीषी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं कि जो इंसानियत को भी भूल रहे हैं, मानवता को भी भूल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कट्टरपंथी जमात को तैयार करने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से संस्कारवान बनाना है, राष्ट्रभक्त बनाना है तो उनको उन संस्थाओं से बाहर निकल कर और ऐसी संस्थाओं के अंदर आना है जिन संस्थाओं के अंदर डॉक्टर बन के निकले, जिन संस्थाओं में इंजीनियर बन के निकले, जिन संस्थाओं में प्रशासनिक अधिकारी बन के निकले। तो मेरे ख्याल से उन परिवारों को भी समझना चाहिए कि हमारा भला कहाँ है, हमारे बच्चों का भला कहाँ है। उन संस्थाओं के अंदर भला है जो कट्टरपंथी जो संकीर्ण सोच पैदा कर रहे हैं, या उन संस्थाओं के अंदर भला है जहाँ शीर्ष के ऊपर पहुँच सकते हैं, जहाँ कलाम साहब भी पहुँचे हैं। धार्मिक पोशाक पहन करके जाना ठीक नहीं है। जो स्कूल ने या कॉलेज ने जो ड्रेस तय की हुई है उसी में जाना चाहिए। ये कोई षड्यंत्र है, देश में अस्थिरता पैदा करने का कोई षड्यंत्र कर रहा है जो ठीक नहीं है।